नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गणित ज्ञान। अब हम क्वेश्चन करेंगे कार्डन मेथड, और उसमें करेंगे सेकंड टाइप का। सो देखिए, जो कार्डन मेथड का फर्स्ट टाइप होता है, या फिर हम बोल सकते हैं नॉर्मल जो क्वेश्चन होता है कार्डन मेथड का, उसमें क्या होता है कि सेकंड टर्म हमें मिस मिलती है। कुछ इस टाइप से होता है, जैसे कि एक्स की क्यूब माइनस 12x माइनस 65 इज इक्वल टू जीरो। सो इसमें देखिए, सेकेंड टर्म मिस है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है। तो हम नॉर्मल कार्डन मेथड का जो वर्किंग रूल है उसके अनुसार कर सकते हैं, और वही हमें करना होता है। या तो डायरेक्ट मिलेगा, या फिर उसको उस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो इसमें देखिए, सेकंड टाइप का है, तो इसमें क्या है कि सेकंड टर्म है लेकिन थर्ड नहीं है, मीन्स शुरू से थर्ड टर्म मिस है। सो क्या देख रहे हैं हम, हियर द थर्ड टर्म इज मिसिंग। ओके, सो हमें क्या करना पड़ेगा, सेकेंड टर्म को मिस करना पड़ेगा। तो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्रांसफॉर्म इट इनटू एन इक्वेशन इन विच द सेकेंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग इज मिसिंग। ओके, पहले हम इसको एक ऐसी इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करेंगे जिसमें सेकेंड टर्म मिस हो बिगिनिंग से। और इसको हम कैसे कर सकते हैं, दिस कैन बी डन बाई सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इज इक्वल टू 1 बाई वाई। एक्स की जगह पे 1 बाई वाई पुट करके हम ये कर सकते हैं। ओके, सो क्या करेंगे, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 1 बाई वाई इन फर्स्ट। ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 9x³ प्लस 6x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, सो इस इक्वेशन में हम एक्स की जगह पे 1 बाई वाई पुट करेंगे। ओके, सो 9 एज इट इज, एक्स की जगह 1 बाई वाई पुट करें तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन y³ प्लस 6x² है, सो अपॉन y² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ से देखिए, वाई की क्यूब एलसीएम आ जाएगा। सो 9 प्लस 6y माइनस वाई की क्यूब इज इक्वल टू 0। ओके, सो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब उस साइड ले जाए तो इसको क्या हो जाएगा, वाई की क्यूब माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ओके, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर सेकंड कह सकते हैं। अब देखिए, ये जो हमारे पास कार्डन मेथड का फर्स्ट टाइप था, जस्ट वैसी इक्वेशन बन गई है। अब वैसी इक्वेशन बन गई है तो हम इसको पहले मेथड से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें एक्चुअली में निकालनी है, एक्स के लिए सोल्व करना है। तो पहले वाई के लिए वैल्यू निकाल कर फिर उसमें रेसिप्रोकल कर सकते हैं, या फिर कोई एक वैल्यू वाई की निकाल के उसका रेसिप्रोकल करके एक्स की निकाल लेंगे, और फिर सिंथेटिक डिवीजन का यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लेंगे एक्स में, उससे दो वैल्यू एक्स की बची हुई निकाल लेंगे। कौन सा भी तरीका हम यूज कर सकते हैं। ओके, सो लेट, जैसा कि हमने पहले किया हुआ है, वाई इज इक्वल, सॉरी, हाँ, यस, वाई इज इक्वल टू यू प्लस वी। ओके, अब जो सेकेंड इक्वेशन है, ऐसी ही हम एक आइडेंटिकल इक्वेशन बनाएंगे। सो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स क्या मिलेगा हमें, वी गेट वाई की क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस वी की क्यूब, मीन्स यू की क्यूब प्लस वी की क्यूब प्लस 3 UV इंटू यू प्लस वी। यू प्लस वी हमने क्या मान रखा है, वाई, तो यहाँ पे वाई पुट कर देंगे, मीन्स यू की क्यूब प्लस वी की क्यूब प्लस 3 UV इंटू वाई। सो वाई की क्यूब ये हो गया, सो कितना आ जाएगा, वाई की क्यूब माइनस, इधर ले आएंगे इनको, माइनस 3 UV y माइनस, इसको इकट्ठा ले आएंगे, यू की क्यूब प्लस वी की क्यूब इज इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहाँ से देखिए, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड आर आइडेंटिकल। इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड आर आइडेंटिकल। सो हम क्या कर सकते हैं, इन इक्वेशंस के कोफिशियंट को कंपेयर कर सकते हैं। एक्चुअली हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमने यू और वी की वैल्यू निकालनी है, फिर उनका ऐड करके वाई की निकालनी है। तो यहाँ से देखिए, कंपेयर करते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास यू और वी में कुछ आएगा, ठीक है। तो देखिए, माइनस 3 UV इज इक्वल टू यहाँ से -6। ओके, और यहाँ से माइनस यू की क्यूब प्लस वी की क्यूब इज इक्वल टू -9। सो यहां से 9 आ गया, ये यहां से अब कैंसिल करें तो 2 पे चला जाएगा ये। सो यू वी इज इक्वल टू 2।
देखिए यहाँ पे यू की क्यूब प्लस वी की क्यूब आ रहे हैं। अगर हम देखें तो ये फैक्टर्स जो हमारे पास रूट्स है उनका एडिशन है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन भी हमें चाहिए। रूट्स का एडिशन हमारे पास है, इनका मल्टीप्लीकेशन अगर हम ले आएंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे कि हमने देखा होगा टी स्क्वेयर माइनस, अगर हमारे पास मानो अल्फा और बीटा रूट है किसी भी इक्वेशन के, तो अगर हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं तो हमें क्या बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर मान लो टी में बनाए तो टी स्क्वेयर माइनस इनका एडिशन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी प्लस इनका प्रोडक्ट अल्फा बीटा। तो अगर यू की क्यूब और वी की क्यूब हमारे पास रूट्स हैं, क्योंकि यही ले सकते हैं हम, और तो इनका प्रोडक्ट भी हमें चाहिए। सो यू की क्यूब और वी की क्यूब हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 की क्यूब 8, और यू की क्यूब और वी की क्यूब हमारे पास क्या है, रूट्स है। यू की क्यूब और वी की क्यूब की हम वैल्यू निकालेंगे, उनका क्यूब रूट कर देंगे, तो वहां से हमारे पास यू और वी की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम वाई की निकाल सकते हैं और आगे देखते हैं फिर क्या करेंगे। ओके सो 10 हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, यू की क्यूब एंड वी की क्यूब आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन टी स्क्वेयर माइनस यू की क्यूब प्लस वी की क्यूब टी प्लस यू की क्यूब वी की क्यूब इज इक्वल टू जीरो। इनकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। सो टी स्क्वेयर माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, 9। सो 9 टी प्लस यू की क्यूब और वी की क्यूब की है 8 इज इक्वल टू जीरो। सो टी स्क्वेयर माइनस 9 टी प्लस 8 इज इक्वल टू जीरो आ गया। अब देखिए माइनस 9 तो क्या है हमारे पास, एड है, एडिशन है, और 8 क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो हम माइनस 8 और माइनस 1 ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, एडिशन माइनस 9 और एड मल्टीप्लाई 8 आ जाएगी। सो टी स्क्वेयर माइनस 8 टी माइनस टी प्लस 8 इज इक्वल टू जीरो। बाकी एक यहाँ से चीज़ देखिए, मैंने फैक्टर क्या कह लिए हैं, माइनस 8 और माइनस 1, तो हमारे पास जो टी की वैल्यू आएगी वो 1 और 8 आएगी। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ से टी को मान लिया तो टी माइनस 8, माइनस 1 को मान लिया तो टी माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो। सो टी की टी माइनस 8 पूरे में कॉमन है, टी माइनस 8 इंटू टी माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, आइदर दिस इक्वल टू जीरो और दिस इक्वल टू जीरो। सो टी इज इक्वल टू 8 एंड 1। अब देखिए जो हम फैक्टर्स बनाते हैं उनका अपोजिट हमारे पास रूट आ जाते हैं। सो टी की वैल्यू 8 और 1 आ गई। सो यहाँ से एक यू की क्यूब हो जाएगा, दूसरा वी की क्यूब, देयर फोर यू की क्यूब हमारे पास 8 आ गया, वी की क्यूब 1 आ गया। और कोई दिक्कत नहीं है, यू की क्यूब कुछ भी ले लो, वी की क्यूब कुछ भी ले लो, अल्टीमेटली हमें इन दोनों का एडिशन करना है। ओके सो टेकिंग रियल वैल्यूज, सो यू हमारे पास आ जाएगा इसका क्यूब रूट 2, वी हमारे पास आ जाएगा 1, देयर फोर वाई हमारे पास कितना आ गया, 2 प्लस 1 मीन्स 3। ओके वाई हमारे पास कितना आ गया, 2 प्लस 1 3 हमारे पास आ गया है। ओके सो एक सेकेंड, अब यहां से हम इक्वेशन लिख लेते हैं एक बार, हमारे पास वाई में क्या थी और एक्स में क्या थी, जस्ट 1 सेकेंड ओनली। सो ओ सॉरी सॉरी, एक्स में हमारे पास इक्वेशन थी 9x³ प्लस 6x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके सो वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई थी, सॉरी फ्रेंड्स फॉर इनकन्वीनियंस। ओके सो हमारे पास वाई की वैल्यू 3 आ गई थी, देयरफॉर एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, हमने एक्स को 1/y माना था, एक्स की वैल्यू 1/3 आ गई। अब देखिए एक्स इज एक्स जो क्या है, इस इक्वेशन का क्या है, रूट है, हमें इसी को सोल्व करना है। सो एक बार चेक करके देख लेते हैं, वैसे जरूरत नहीं होती है लेकिन फॉर वेरिफिकेशन, 9 इंटू इसकी क्यूब मीन्स 1/27 प्लस 6 इंटू 1/9 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो 1/3 इंटू 2/3 माइनस 1, सो 1/3 प्लस 2/3 माइनस 1। सो यहाँ से तो 1 आ जाएगा, यहाँ से भी 1, सो 0। सो सही है। ओके सो
हमें इस इक्वेशन का एक रूट पता है, तो सिंथेटिक डिवीजन से अलग से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, उससे निकाल सकते हैं। देयरफॉर बाय सिंथेटिक डिवीजन, ओके, सो वी हैव 1/3। करें सो 9 कोफिशियंट एक्स क्यूब का, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 6, एक्स का कोफिशियंट 0 एंड कॉन्स्टेंट -1। ओके सो अगर इसको करें एज इट इज रहेगा 9, इसके साथ मल्टीप्लाई करें 9 इंटू 1/3 मीन्स 3। ओके सो 3 इंटू सॉरी 3 प्लस 6 9, इसके साथ करें तो 3, यहाँ पे 3 एज इट इज, 3 इंटू इस माइनस यहाँ पे 1 आ जाएगा, सो ये कैंसिल। देयर फॉर डिप्रेस्ड इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, देयर फॉर डिप्रेस्ड इक्वेशन इज 9x² प्लस 9x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो हम यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं पूरे में से, सो 3x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो डिस्क्रिमिनेंट मेथड से हम निकाल सकते हैं x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस बी मीन्स माइनस 3 प्लस माइनस एंड रूट बी स्केयर मीन्स 3 का स्केयर 9, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 1, सो 4 इंटू 3 इंटू 1, ओके, अपॉन 2 इंटू ए मीन्स 3, सो माइनस 3 प्लस माइनस 9 माइनस 12, जैसे कितना जाएगा 9 माइनस 12, सो माइनस 3 बचेगा, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 6, ओके, प्लस माइनस आएगा ये माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाय 6, ओके, सो